भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा पर कटाक्ष किया। वहीं रांची में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पिछले 4 वर्षों तक अन्याय का पर्याय बन चुकी हेमंत सरकार के लिए न्याय यात्रा निकालना इस प्रदेश के साथ क्रूर मजाक है। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार ने आदिवासी, मूलवासी, महिला, किसान, बेरोजगार सबके साथ अन्याय किया था और अब उनकी पार्टी न्याय यात्रा निकालने का ढकोसला कर रही है। अन्याय का पर्याय बन चुकी हेमंत सरकार के समर्थन में अब उनकी पार्टी के लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इन्होंने तो आदिवासी मूलवासियों को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का सब्ज भाग दिखाकर उनके साथ अन्याय किया था। 32 लाख किसानों की लोन माफी का वादा था, वो भी पूरा नहीं करके किसानों के साथ अन्याय किया। महिला उत्पीड़न की संख्या को घटाने का वादा था, वो तो रिकॉर्ड पर पहुंच गया, तो महिलाओं के साथ अन्याय किया इस सरकार ने। इस सरकार ने झारखंड की खनिज संपदा के साथ अन्याय किया, उसका लगातार दोहन होता रहा, इलीगल माइनिंग होती रही, 20 लाख नौकरी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। भाजपा ने झारखंड सरकार को 4 वर्षों तक भ्रष्टाचार और लूट का खेल करने वाली सरकार बताया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में तो आकर फाइल और फोल्डर का मतलब ही बदल जाता है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई सफेदपोश भी इस लूट के खेल में बेनकाब होंगे। देखिए, झारखंड में फाइल और फोल्डर की सरकार चलती थी और ये कोई फाइल और फोल्डर, हम स्टेशनरी की बात नहीं कर रहे हैं। बताया जाता है कि जो आर्किटेक्ट विनोद सिंह है और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बीच में जब भी बातचीत होती थी तो लाख रुपए का कोई डील होता था तो उसके लिए फाइल कोड नेम यूज किया जाता था, और अगर करोड़ों का वो डील होता था तो उसके लिए फोल्डर यूज किया जाता था। तो आप देखें कि किस तरीके से झारखंड को सिस्टमैटिक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लूटा गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की बोली लगती थी, खदानों की बोली लगती थी, इलीगल माइनिंग चरम पर थी, 70,000 करोड़ का घपला का घोटाला इस फाइल और फोल्डर वाली सरकार पर लगा था। बहरहाल ईडी की जांच में जो खुलासे हुए हैं ये तय है कि आने वाले दिन में कई सफेदपोश और बेनकाब होंगे। देखिए, झारखंड में फाइल और फोल्डर की सरकार चलती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कम्प्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।